एसिडिटी के लिए जो डाइट है वो बड़ी स्पेसिफिक है। सवेरे से लेकर के शाम तक अगर केवल डाइट को भी अच्छे से फॉलो कर लिया जाए, डाइट का मतलब सामान्य तौर पर लोग ये समझते हैं कि हम तो बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन उस बढ़िया में हम जो खा रहे हैं उसको हम खा कब रहे हैं और खा कैसे रहे हैं और क्वांटिटी कितनी है, ये चार चीजें आती हैं, अच्छा, क्वांटिटी, कब और कैसे। हम क्या खा रहे हैं, हम कितना खा रहे हैं, हम उसको खा कब रहे हैं, हम रात को 2 बजे खाएं तो मतलब नहीं, काल अशुद्धि हो जाएगी, और कैसे खा रहे हैं, प्रोसेस में अगर कहीं वेरिएशन आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम होगी। और एसिडिटी मतलब पाचन की समस्या है, और पाचन की मतलब पाचन तंत्र से रिलेटेड है, पाचन तंत्र का काम भोजन को पचाना है, और अगर पाचन तंत्र का काम भोजन को ही पचाना है तो भोजन भी इस समस्या के होने में और समस्या के सही होने में बहुत काम में आएगा, ये कंफर्म है बिल्कुल। तो भोजन से नियमित चीजें अपन सही तरीके से भोजन का ध्यान रखेंगे तो चीजें बिल्कुल धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाएंगी। अब भोजन में क्या क्या ठीक रखना है, आप सबसे पहले तो जो अपने जैसे जागे जागते ही पानी पी लिया वो पूरा खाने पीने का अपन पूरा कर देंगे, पानी पी लिया था पहला काम। फिर व्यायाम करने के बाद अपन ने आंवला मिश्री ले ली जी, आंवला मिश्री ले ली। अब व्यायाम के बाद में जैसे ही आंवला मिश्री लिया, आंवला मिश्री लेने के बाद फिर अपन ने व्यायाम कर लिया, व्यायाम करने के बाद में फिर अपन रात को भीगे हुए मुनक्के 10 और अंजीर 2 रात को भिगो के रखना है, इनको अच्छे तरीके से सवेरे रात को भिगो धो लेना है, धो के फिर भिगोना है। सवेरे सवेरे मुनक्के में से बीज निकाला, मुंह में डाला और उसको अच्छे से चबा के अंदर ले जाना है, अंजीर को भी खूब चबा के खाना है, फिर जिस पानी में भिगोया था वो पानी पी लेना है। ये व्यायाम के बाद का हो गया, उसके बाद आपने स्नान आदि वगैरह कर लिया, फिर 8 बजे के आसपास आप बेशक आधा एप्पल ले लीजिए और उसको छील करके बिल्कुल छिलका उतार के छोटे छोटे बाइट करके एक एक बाइट को खूब चबा चबा के, मतलब आपको एप्पल नहीं खाना, एप्पल का जूस बनाना है मुंह में और फिर वो अंदर जाएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। एप्पल ले लिया आपने, एप्पल अगर जैसे खा लेते हैं कभी थोड़ा सा भारी होता है पेट, तो आप एप्पल के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक लगा के खा सकते हैं, ठीक है। नाश्ता जो होगा, चूंकि यहां पाचन की समस्या है, पेट को गर्मी मिल रही है लगातार, तो आपको कुछ ऐसा खाना पड़ेगा जो थोड़े समय तक पेट में रुके लेकिन पचने वाला हो, जल्दी पच जाए। कि थोड़े समय तक रुकने को तो अपन ब्रेड का सैंडविच खा सकते हैं, लेकिन वो रुकेगा तो खूब देर पचेगा नहीं, फिर वो सड़ेगा तो वो नुकसान कर देगा, ठीक है। तो आप जो रुके भी और पचे भी वो है वेजिटेबल दलिया या खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी, खूब सारी सब्जियां होनी चाहिए इसमें, हींग, हल्दी, सौंफ, जीरा ये होना चाहिए, अजवाइन, राई, ये सब गर्म चीजें होती हैं, इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। अजवाइन और राई, राई ये दोनों नहीं चाहिए, ये दोनों चीजें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मेथी नहीं चाहिए बिल्कुल, ये सब गर्म चीजें हैं। तो ये वेजिटेबल दलिया है, वेजिटेबल खिचड़ी 1 कटोरी बिल्कुल पतली सी, खूब सारी सब्जियां डाल के बनाया, सब्जियों में लौकी, टिंडा, परवल, गाजर, कद्दू और जो सब्जियां हैं पत्ते वाली जैसे पालक, बथुआ, धनिया, ये सब डाल सकते हैं। और इस खिचड़ी या दलिया को 1 कटोरी आप नाश्ते में खा सकते हैं। अब जो भी नाश्ता या खाना जब भी आप खाएंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप सॉलिड मुंह में डाल रहे हैं उसको आपको गले से नीचे उतारने से पहले पानी कर देना है, और जो पानी आप जब भी लिक्विड कुछ लेंगे तो आपको लगना चाहिए कि आपने कुछ भरा हुआ है मुंह में, जो धीरे धीरे करके नीचे उतरेगा, तो पानी को घट घट करके नहीं पीना है, और खाने को बिल्कुल उड़ेलना नहीं है गले से नीचे, खूब चबा के खाना है, ठीक है। फिर दोपहर का खाना जो है इसमें आपको लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू ये सब्जियां, इसमें बीन्स थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ेंगी क्योंकि बीन्स जब भी ली जाती हैं बीन्स भारी होती हैं पचने में, फिर फाइबर तो बहुत होता है उसमें लेकिन पचने में थोड़ा भारी होते हैं, तो कोशिश करिए जब तक ये समस्या बिल्कुल आराम पर नहीं जा रही है तब तक आप थोड़ा अच्छा फॉलोअप कर लीजिए, तो आपकी यही 4-5 सब्जियां हैं, 6 सब्जियां इनको ही उपयोग में लीजिए। रोटी बहुत मोटे आटे की चोकर की अगर हो जाए तो, और बहुत अच्छा रहे अगर ज्वार की हो जाए, गेहूं का उपयोग भी अगर कम हो सकता हो तो ज्यादा अच्छा है, मल्टीग्रेन वाली में फिर से वो
आपको चना चूंकि भारी है पचने में, सोयाबीन अगर डाल दिया तो भी प्रॉब्लम होगी, तो ज्वार बेस्ट है। तो ज्वार बेस्ट है, आप ज्वार में जौ मिला सकते हो, थोड़ा ज्वार जौ का हो जाए। अगर आपको लग रहा है ज्वार जौ अकेला नहीं समझ में आ रहा, थोड़ी रोटी कड़ी हो जा रही है, खाई नहीं जा रही, तो आप थोड़ा सा गेहूं मिला दें, लेकिन गेहूं फिर वो पिसाया हुआ होना चाहिए आटा, थोड़ा मोटा पिसवाया जाए, और छानना नहीं है उसको, क्योंकि छानने के बाद जो बिल्कुल महीन आटा हो जाता है ना, वो फिर हाथों में चिपकता है, नुकसान करता है। तो ये तो हो जाए। इसके साथ में लगभग 100 ml के आसपास आप पतली सी छाछ ले लीजिए और खाने को बहुत चबा चबा के खाइए, ठीक है। उसके बाद फिर दोपहर और शाम के खाने के बीच में एक नारियल पानी अगर पॉसिबल हो जाए तो लिया जाए। नारियल पानी जैसे मान लो नहीं मिल पा रहा है तो सौंफ का पानी ले लिया जाए, एक चम्मच सौंफ का पाउडर एक ग्लास पानी में घोल करके लिया जाए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो कोई भी एक सीजनल फल खा लीजिए, ठीक है। फिर शाम का खाना, शाम का खाना 7 बजे के पहले पहले हो, ये शर्त है। शाम के खाने के बाद आपको लगभग 15 से 20 मिनट टहलना है, ये कंपलसरी है। और शाम के खाने को भी आपको बहुत चबा के खाना है। कोशिश करिए रोटी सब्जी जैसी दोपहर में खाइए वैसी खा लेते हैं। अगर पॉसिबल हो जाए तो आप शाम को दलिया या खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया थोड़ा ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, चावल शाम को सामान्य तौर पर। दलिया फिर दलिया वेजिटेबल दलिया वही जैसे सवेरे वो दलिया गेहूं वाला ही दलिया चल जाएगा या फिर उसमें जौ का दलिया हो जाए और भी बढ़िया है, ज्वार का हो जाए बहुत बढ़िया है। अगर नहीं हो पाए तो गेहूं का दलिया थोड़ा इसलिए चल सकता है कि गेहूं अगर आटा बनता है तो उसको पीस करके जो निकाल देते हैं ब्रांड जो होता है व्हीट ब्रांड, वो निकालने के बाद जितना चिकना होता है ना दलिया उतना चिकना नहीं होगा जी। लेकिन जिनको गेहूं से एलर्जी है मान लो, तो फिर गेहूं तो कम्प्लीटली बंद होगा, चाहे वो दलिया हो, चाहे अंकुरित गेहूं हो, चाहे वो आटा हो, चाहे मैदा हो, पूरा बंद। जैसे मार्केट में ओट्स वगैरह मिलते हैं तो उसका, हाँ वो जई होता है, ओट्स मतलब जई चलेगा, तो वो रेडीमेड चलेगा जैसे सफोला उनके वो आते हैं मिलता तो वही है, तो डेफिनेटली लिया जा सकता है। लेकिन ओट्स के साथ दूध लिया जाता है, दूध आपके लिए जहर। अच्छा। दूध आप बिल्कुल ऐसा मान लो कि जहर पी रहे हो और दूध पी रहे हो आपके लिए, क्यों? क्योंकि पित्त की समस्या है और दूध सामान्य तौर पर गर्म किया हुआ, जैसे एक उबाल का दूध पित्त शामक होता है या फिर ठंडा कच्चा दूध पित्त शामक होता है, लेकिन आजकल जो दूध आपके पास पहुंचेगा जो आप लेंगे वो डेफिनेटली नुकसान कर रहा है। और दूध को आप जैसे ही बंद करोगे, आपको जो लोग दूध लेते हैं और पेट की खराबी है जिनको, दूध बंद करते हैं 25% आराम हो जाएगा। कल 2 बार से रात में दूध पी रहे हैं, वो अवॉइड किया जाना चाहिए। हाँ। हाँ, दूध नहीं लेना है। दूध लगता तो बहुत अच्छा है, तो मतलब किसी डाइट बोला जाता है साथ में, घी के साथ किसी भी फॉर्म, क्योंकि दूध तो दूध है। अब उसमें चाहे आप हल्दी मिला दो, चाहे आप और कुछ मिला दो, नहीं लिया जा सकता। तो फिर ये डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं, पनीर वगैरह ये सब? छाछ आपको दी है। हाँ। छाछ इसलिए दी है क्योंकि छाछ में बाजीकारण के गुण आ जाते हैं जी। पचाने के गुण आ जाते हैं और बोला भी जाता है आहारांते पिबेत तक्रम, दोपहर के भोजन के बाद में तक्र पीना चाहिए। बोला तो ये भी गया था कि वासरांते पिबेत पया, दिन के अंत में रात को दूध पीना चाहिए। लेकिन अब जिनकी पित्त की प्रकृति है उनको दूध नहीं पिया जाना चाहिए। जिनको कफ की समस्या होती है उनको तो दूध और दूध से बनी चीजें मना करते हैं, लेकिन पित्त कारक होता है दूध, तो दूध नहीं लिया जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। रात को सोने के पहले फिर से सौंफ और मिश्री ले ली जाए, ये पाउडर फॉर्म में भी रख लें, आप पाउडर फॉर्म में बना के रख लीजिए चलेगा, ठीक है। रोज रात को सोने के पहले एक बाल्टी में हल्का गुनगुना पानी भर के उसमें पैर डाल के बैठना है 10 मिनट के लिए, पैरों को निकाला, पैरों को पोंछा, उसके बाद नाक में जैसे सवेरे घी डाला था वैसे ही रात को घी डाल के नाक को अच्छे से मसल के और फिर सोना है, ठीक है। पित्त की प्रकृति का एक सबसे बड़ा जो नुकसान है